गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप यार सभी दोस्त अच्छे होंगे। सो गाइज, आज जो है मतलब हम लोग जो है 6 बजे या 6:30 बजे तो सुबह उठ गए थे फिलहाल। फिर उसके बाद यार हमने गीजर ऑन किया नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो यार पता चला कि इनका तो गीजर ही ख़राब है। तो यार अब वही है, ठंडे पानी में नहाना पड़ा। एक बार तो ठंडी लगी, फिर उसके बाद तो कोई चीज़। बाकी ये अभी टाइम हो रहा है 7:30, वही यार थोड़ा गीज़र के चक्कर में ना टाइम वाइम लग गया, नहीं तो हम जल्दी से निकल भी लेते हैं यहाँ से। बाकी मैं भी फ्रेश हो गया, नहा धो लिया हूँ, ये भी नहा लिया है। तो अब हम पैकिंग कर रहे हैं बस, फिर यहाँ से निकलते हैं। पहले तो हम जाएंगे यार, हमारा प्लान है 0 पॉइंट का, जो कल रह गया था। फिर वहाँ से देखते हैं, शायद आज रानीखेत जाने का प्लान है हमारा। और गैस एक चीज़ और बतानी थी आपको, ये रास्ते में जो रानीखेत का रास्ता है उसी में ही बता रहे कि नीम करौली बाबा जी का मंदिर है, कैची धाम जिसे कहते हैं। तो मतलब मंदिर सेम है, बाकी दो नाम से उसको जाना जाता है। तो बाकी देखते हैं वहाँ पे क्या है, तो अपना दर्शन वगैरह करके फिर सीधा रानीखेत निकलेंगे। तो चलो फाइनली गैस हमारी पैकिंग जो है हो गई है। ये मेरा बैग है, पैकिंग होगी, हेलमेट वगैरह है, बाकी इसका बैग भी पैक हो गया। तो बस निकलते हैं, नीचे से व्यू दिखाता हूँ आपको और फिर यहाँ से निकलेंगे 0 पॉइंट, ठीक है। और थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं यार, देख। सो हमारा बैग ये रखा, हेलमेट। बाकी अभी हम वेट कर रहे हैं रिसेप्शन वाले भैया का, उनको चाबी वगैरह देके फिर निकलते हैं यहाँ से। अच्छी धूप खिली हुई है और देख रहे हो। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहाँ से 0 पॉइंट का व्यू नज़र आता है। यहाँ से कहते हैं कि हिमालय दिखता है क्लियर। बाकी देखते हैं, और यहाँ पर टिकट का कुछ चार्जेज है, यहाँ आप लोग देख सकते हो। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जूम करके। पर पर्सन 60 रुपये ले लिए, ये रही भाई टिकट मेरी और मेरे भाई की। बाकी अंदर चलते हैं और देखते हैं व्यू कैसा है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर। चलो चलते हैं। सो चलो एंट्री करते हैं। भैया कहाँ से एंट्री? यहीं से। चल, लग नहीं रहा था भाई कैसा व्यू आता है 0 पॉइंट से। खाने पीने की, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार। यार यहाँ है ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ से हिमालय नज़र आता है। आप लोगों में दिखाता हूँ व्यू। और ये टेबल वगैरह है बैठ के खाने पीने के लिए, ये दिखाई दे रहा क्लियर। ये हिमालय दिखाई दे रहा है यहाँ से, हिमालय पर्वत। और ये देखो मतलब यार काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, आप लोग देख सकते हो। बाकी यार यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह लेते हैं, देन उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। देता है तो हम लोग इसमें से देख रहे थे। बाकी मैं आप लोगों को एक यहाँ से दिखाता हूँ, वो देख रहा हूँ ना, बिल्कुल हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, बर्फ़ से भरा हुआ, ठीक है। वही है हमारे महादेव, तो हर हर महादेव। चलो दर्शन हो गए, 0 पॉइंट देख लिया, तो बस निकलते हैं, बस फ़ोटो वगैरह क्लिक करके। तो आई होप आप लोगों को भी दिखाई दिया हो वीडियो में। तो चलो यार चलते हैं, लोगों में दिखाता हूँ। लिखा है नंदा गुंटी, कितना फुट है 2070, और ये त्रिशूल कितना फुट है, मतलब सबकी हाइट जो है ना लिखी हुई यहाँ पे। कैची धाम मंदिर जो कि रानीखेत के रास्ते में पड़ता है, उसी को हम करौली बाबा भी कहते हैं।
हम वहाँ से काफ़ी दूरी पे आ चुके हैं। बाकी आज हमारा प्लान है नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने का, ठीक है। कैची धाम जा रहे हैं हम, और ये एक डिस्टेंस दिखा रहा है हमारा, 1 घंटा 18 मिनट और 42 किलोमीटर है। तो देखते हैं, करीब शायद 1.5 या 2 घंटा लग जाए, क्योंकि बीच में हम रुक के चाय वगैरह भी पी लेंगे यार, और कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि हमने सुबह से चाय भी नहीं पी। बस हम चेकआउट करके होटल से फ्रेश वगैरह हो गए, निकल गए थे। और एक तो उनका यार गीज़र भी ख़राब था, और भी आसपास का मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बस अब निकलते हैं, और टाइम हो रहा है 9:02, चलो चलते हैं। बाकी बाइक अब मैं चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है, चलो निकलते हैं। ड्राइविंग करने के बाद अब हम एक जगह रुके हैं, आपको मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ। डिस्टेंस करीब रह गया है 36 मिनट में 16 किलोमीटर, लेकिन भैया बता रहे हैं मैगी पॉइंट पे जहाँ पे हम रुके हैं इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी बस ये है, हम यहाँ रुके हैं भूपी मैगी पॉइंट पे, तो मैगी फास्ट मिल जाएगी। तो ये भैया हमारे मैगी बना रहे हैं, तो बस फिर निकलते हैं खा पी के, और अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है। आइए मैगी खाते हैं, फिर चाय भी आ रही है थोड़ी देर बाद, फिर निकलते हैं यहाँ से खा पी के। ये शॉप है फैंटेसी फूड प्रोडक्ट्स, इस पर जूस, जैम, स्क्वाशेस, पिकल्स, अचार वगैरह और शहद सब चीज़ मिलती है, पहाड़ी उत्पाद। तो अभी हम लोग जो हैं बस अचार ले रहे हैं, मिक्स अचार, ठीक है, इस शॉप से। मेरा रास्ते में नीम करौली बाबा जी का मंदिर देखा था, कैची धाम, जिसका मतलब एक ही मंदिर है, दो नाम है। अभी हम जस्ट है ना यहाँ पे हैं, ये रानी खेत के रास्ते में, तो रानी खेत के रास्ते में ही पड़ता है हमारा नीम करौली बाबा जी का, कैची धाम जी का मंदिर। तो हम सोच रहे यार काफ़ी भीड़ थी, तो यार लाइन बहुत लंबी थी, तो इसलिए ना हम लोग जो है गए नहीं यार, रानी खेत जाके स्टे वगैरह कर लेते, रूम वगैरह लेके, उसके बाद जो है ना कल वापसी में कर लेंगे दर्शन। तो चलो पहुँचते हैं, आपको रानी खेत दिखाता हूँ। गाइस 1:38 हो रहे हैं, और हम रानी खेत में एंट्री कर चुके हैं काफ़ी देर से। और अब बस यार यहाँ पे पहले तो हम है ना होटल वगैरह देखते हैं, रिजॉर्ट जो भी मिल जाए स्टे करने के लिए, क्योंकि फिर यार थोड़ा चेंज वगैरह करके फ्रेश होकर रेस्ट करके, देन उसके बाद माल रोड वगैरह निकलेंगे, और रानी झील वगैरह देखेंगे, और जो मार्केट वगैरह ना वो चीज़ें देखेंगे, देन उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ। फिलहाल चलते पहले होटल देखेंगे, होटल कैसा है, जो भी रूम वगैरह चेक करेंगे। हमने जो है ना होटल एवरेस्ट में जो है ना रूम ले लिया है, तो सही प्राइस में यार हमें सही मिल गया। और यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। मेन दिक्कत तो यार ये रहती है कि यार स्टे की, तो यार पहले तो सबसे पहले हमने यहाँ आके ना अभी 1:47 हो रहे होटल ले लिया है, अब उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके, देन उसके बाद बाकी यार अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। यही है हमारे होटल वाले भैया, हेलो भैया, ये भाई भी हैं, बाकी इन भैया ने मुझे एक कार्ड दिया है अपने होटल का, इस पर एक तो कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी अच्छी बात ये है कि यार किसी से पूछना ना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या देखना है। तो इस पर विजिटिंग प्लेसेस लिखे हुए हैं रानी खेत के, जो जो है प्लस किलोमीटर भी वॉक करके जो जा सकते हैं, और किलोमीटर वाले। बाकी यार आप लोगों को मैं रूम दिखा देता हूँ, ये हमारा रूम है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, 107। और देखो यार 107 पता नहीं हमारा क्या लक्की नंबर है क्या है, मतलब वहाँ पर भी हमें 107 रूम नंबर ही मिला था। अच्छा ये मिरर हो गया हमारा, ठीक है, आप लोग और दिखा देता हूँ। बाकी ये हो गया भाई हमारा बेड पिलो, और ये ब्लैंकेट हो गया। यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि टीवी वगैरह भी लगवा देंगे, और ये फ़ैन चल रहा है, थोड़ा गर्मी होती है ना दिन में, सही मिल गया हमें, सही है। बाकी चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यार, फिर निकलेंगे बाहर। मैं आप लोगों को माल रोड वगैरह, मार्केट, रानी झील जो भी है, कार्ड तो मिल गया है, दिखाता हूँ, ठीक है। जो है रेस्ट वगैरह तो कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने यार, वो भी शर्ट भी चेंज कर ली, तो अब थोड़ा निकलते हैं बाहर। और जो विजिटिंग कार्ड दिया है ना भैया ने, उस पर सब लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मैं एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ें, तो बस निकल। तो चलो गाइस चलते हैं घूमने वगैरह करके, मतलब कपड़े वगैरह चेंज करके, थोड़ा सा शर्ट, क्योंकि मेरी यार शर्ट भी जो है ना डस्ट वगैरह हो गई थी। तो बस अब फाइनली अब हम निकल चुके हैं, सो मार्केट है, ठीक है। बाकी 3:13 हो रहे हैं, तो अब मैं पीछे बैठा हूँ, अभी मेरा भाई बाइक चला रहा है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे, जो पहले क्लोज पड़ेगी यार, दिन कार्ड दिया था भैया ने, उसमें लिखा था ना नारसिंह स्टेडियम, सो गाइस ये है वो स्टेडियम, ये देख रहे हो जो बच्चे हैं यहाँ पे बैट बॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा है। सो हमें रास्ते में मिल गया, तो हमने इसे देख लिया, तो
ये भाई वो स्टेडियम। सो हम आगे निकलते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल के पास हैं, तो शायद ये रानी झील है ना नीचे की साइड है। अभी हम पहले चलते हैं रानी झील देख लेते हैं, अगर नीचे है तो। चल भाई चलते हैं। रानी झील यहीं राइट में है, तो बस अभी हम पहुंचने वाले, काफ़ी कम डिस्टेंस रह गए, पहुंच के देखते हैं भाई रानी झील कैसी है। 3:30 बज रहे हैं अभी, टाइम 3:30 बज रहे हैं, और अभी हम खड़े हैं, ये देख सकते हो आप, ये रानी झील के पास। तो हम लोग पहुंच गए, तो आपको मैं दिखाता हूँ रानी झील। झील पहुँच चुके हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ। रानी झील, अभी हम लोग है ना यहाँ से वॉक करके वहाँ पे जाएंगे, आपको मैं अच्छे से व्यू करके दिखाऊंगा। वो लिखा है ना रानी झील कैंटोनमेंट बोर्ड रानीखेत, और ये वाटर रोलर भी है। देखते हैं यार एक बार वाटर रोलर का क्या प्राइस है, उसके हिसाब से देखते हैं। और ये झील है, आप लोग देख सकते हो, और ये बच्चे यहाँ पे झूल रहे हैं, मतलब झूले वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे यार रानी झील के पास है ना, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ। हाँ भाई आगे क्या देख, क्या है तू बता दे। कुछ भी नहीं है। चल फिर वाटर रोलर का एक बार पता करते हैं वहाँ पे क्या प्राइस वगैरह है, तो फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, प्राइस लिखा हुआ है ये नोट, आप देख रहे हो ना, एक्टिविटी वगैरह जो भी है। चलो ऊपर चलते हैं, और ये वो पॉइंट है, देख रहे हो यहाँ लिखा है आई लव रानीखेत। यहाँ लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, देन फोटोज़ वगैरह, और ये काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से ना। कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे बारिश वगैरह होने, तो इसलिए उन्होंने अभी बंद कर दिया है। पहले तो मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं चौवटिया। तो दो चीज़ें जो हैं, जो दूर वाली चीज़ें यार वो कवर कर लेते हैं, बाकी आसपास वाली तो फटाफट कर भी लेंगे। हम कवर जा रहे हैं झूला देवी एंड राम मंदिर, तो बस कुछ ही दूरी पे हैं पहुँचने वाले, और वहाँ से आगे हम चौवटिया देखने चलेंगे। और यहाँ से आपको मैं व्यूज दिखाता हूँ, पहुँच चुके हैं। ये देखो आपको बोर्ड दिख रहा होगा झूला देवी, ठीक है, और ये मैं दिखा देता हूँ। तो प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं दर्शन करने माता जी के। ठीक है, देवी जी का मंदिर, और ये हमने दर्शन कर लिए यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। हमने दर्शन कर लिए उनके। झूला देवी माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं चौवटिया गार्डन। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है और फेमस है यहाँ का, तो अभी चौवटिया गार्डन चलते हैं। फिर ये रहा, ये लिखा है गेट। ठीक है, अब यहाँ से बस नीचे ही जाना है,
फिर उसके बाद तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से चलो चलते हैं। शांति यार, बहुत शांति। और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना यहाँ पे, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना। वहाँ हिमालय है ना, हिमालय से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स वगैरह हैं। मतलब ये इस तरह का गार्डन है कि यार अपना आराम से नेचर के बीच है ना अपना टाइम स्पेंड कर सकता है इंसान। अब हम ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे यार, क्योंकि टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और अभी फिर जंगल का रास्ता है, फिर वहाँ से वापस जाना है होटल, तो लेट ना हो जाए। तो बाकी आगे सेम ही है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं वापसी अपने होटल के लिए, मतलब जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, द गार्डन कैफ़े। मतलब एक खाने पीने की शॉप भी है और यहाँ पे भैया के पास अचार की वैरायटी है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या। मैं जो है ना हमेशा हर दुकान पे मतलब मिक्स अचार ही मिला, यहाँ आके मिला है हमें ग्रीन एप्पल पिकल, सेब का अचार जो हमें चाहिए था सेब का अचार यहाँ आके मिला है और जैम भी है। तो लेते हैं फिर निकलते। सो यही है जहाँ पे हमें अपनी मनपसंद चीज़ें मिली यार, द गार्डन कैफ़े। ये ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं ठीक है हर जगह। तो यहाँ पे है ना, मतलब अभी भैया ने बताया था कि जो ये चौबटिया गार्डन है यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह है ना सब के अचार वगैरह और मतलब ताज़ी मसाले हर चीज़ मिल जाते हैं। आप काफ़ी दूर चल के यहाँ पे आए हैं माँ काली जी के मंदिर, और यहाँ पे यार इतने सारे हैं ना मतलब मंकी वगैरह बंदर। तो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं, दर्शन करते हैं। मतलब यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है यार, माँ काली का देवी मंदिर ठीक है। अब यहाँ दर्शन करते हैं मंदिर में, फिर उसके बाद वापसी निकलेंगे ठीक है। दर्शन करके तो आगे अब हम यहाँ पे आए हैं हिमालयन व्यू पॉइंट, यहाँ से हिमालय नज़र आता है और ज़्यादा क्लोज। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हिमालयन व्यू पॉइंट, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। ये देखो यार कितना अच्छा व्यू है। और अब तो खैर थोड़ा शाम हो चुकी है, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से नज़र आ रहा होगा, देख लो ध्यान से। ऐसे घूम के तो आ गए थे चौबटिया गार्डन वगैरह मंदिर वगैरह, तो हम 7 बजे करीब अपने रूम पे आ गए थे। तो अब मैंने खाना ऑर्डर किया अपना, तो अब खाते हैं यार, भूख लग रही है, काफ़ी देर हो गई घूमते हुए। उसके बाद भाई देखते हैं, थोड़ा अगर मन किया तो नीचे जाऊंगा मार्केट वगैरह थोड़ा देखने, वरना तो सुबह ही देखेंगे। बाकी आज काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की जो देखी और आपको वीडियो में दिख गया होगा। चलो ठीक है, खाना खा लेता हूँ। इतने मैंने कहा यार चलो इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। ये है पहाड़ी चिकन और तंदूरी बटर रोटी और ये सैलेड है, तो खाते हैं भाई। मेरा तो खा लिया है, बाकी यार अब रात के बज रहे हैं 10:43, तो अभी मैं गया था जस्ट थोड़ा सा टहलने वगैरह नीचे। बाकी यार आज हम लोगों ने काफ़ी जगह कवर की, टेंपल वगैरह गार्डन वगैरह। तो बाकी आज की वीडियो को यार यही एंड करते हैं। बाकी आप लोगों को भी यार मज़ा आएगा इस वीडियो में,
चलो बाकी कल देखते हैं। सो सभी को बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।